बोन ग्रोथ, अब बोन की ग्रोथ किस तरह से होगी, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हमारे पास एपिफाइसल प्लेट जो भी मैंने पीछे डायग्राम में आपने देखा था, एपिफाइसल प्लेट प्रेजेंट होती है, अलाउ फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब वही मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि चाइल्डहुड में बच्चा छोटा होता है तो बोन्स भी छोटी होती है, और जब उसकी लेंथ बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि बोन्स के नंबर बढ़ रहे हैं, बट क्या है कि उनका साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ क्या है, न्यू कार्टिलेज कॉन्ड्रोलस फॉर्म होता रहता है, ओल्ड कार्टिलेज ऑसिफाइड होता रहता है। ऑसिफाइड मतलब कि जो कार्टिलेज है वही हमारा बोन में कन्वर्ट होता रहता है, जो पुराना कार्टिलेज है वो कुछ ब्रेक डाउन भी हो जाता है, बोन रिप्लेस करती है कार्टिलेज को, उसकी रीमॉडलिंग होती है। तो ये पूरे जो हमारे पास प्रोसेस है वो हमारे पास बोन ग्रोथ में हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्ब्रियो है, इसमें देखो ये पूरा का पूरा जो बोन है वो पूरा का पूरा क्या है, हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है। ये बीच में सेंटर में हमें थोड़ी सी कुछ बोन की नजर आ रही है, जो स्टेम सेल्स होंगी जो कि बोन को स्टार्ट करेंगी कि यहाँ से जो हमारा कार्टिलेज है वो बोन में रिप्लेस होना स्टार्ट होगा इन सेल के थ्रू। तो ये सेल धीरे धीरे डिवाइड होंगी और यहाँ से ये मेडुलरी कैविटी बनाना शुरू करेंगी, ब्लड वेसल्स। और यहाँ फिर क्या होगा, जो सेकंड यहाँ कॉर्नर पे हमारे पास ये एपिफाइसल था, तो यहाँ की सेल्स डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी और वो यहाँ पे एपिफाइसल प्लेट को जनरेट करेंगी, देन फिर ये एपिफाइसल प्लेट डिवाइड होगी और ये आगे आगे फिर जनरेट करेगी। अब देखो यहाँ क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास पूरे में हाइलिन कार्टिलेज ही प्रेजेंट था, धीरे धीरे ये मॉडिफाइड हुआ, कैविटी बनी और फिर ये पूरी की पूरी बोन ने इसको कवर अप कर दिया। बट कॉर्नर्स पे अभी भी जो थोड़ा सा बहुत ये हमारे पास रह गया है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो मैंने पीछे आपको ये बताया था। ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर यहाँ क्या होता है, जो हमारे पास अभी ये पीछे मैंने आपको दिखाया था कि ये पेरिस्टोमियम है, यहाँ हमारी आउटर कवरिंग, ये क्या करती है ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, ग्रूप्स बना लेती है, और जिनके बीच से क्या होगा हमारे पास ये ब्लड वेसल्स निकल रहे होंगे। ये क्या करेगी, अब ये जो फोल्डिंग है ये ना इस तरह से आके इसके ऊपर आ जाएगी और इसको कवर अप कर लेगी। ठीक है, ये इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा क्या होगा, ऐसे ही पूरा रिंग बन जाएगा। अब ये जो अंदर वाली हमारी कवरिंग बची इसको हमने क्या बोल दिया, एंडोस्टियम, ये पूरी कैनाल बन जाएगी आगे जो हम स्पंजी बोन्स में हमने देखा था। ठीक है, तो ये इस तरह से, चलिए टाइम जा रहा है तो इसको स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से ये पूरा का पूरा रिंग बन जाएगा। अब जो इनर साइड की सेल्स होंगी वो हमारी ये कॉन्सेंट्रिक सेल्स बनाएंगी, और जो आउटर की होंगी वो हमारे पास क्या होगी, जो इसकी पेरिफ्री की सेल्स हैं जो सर्कमफ्रेंस की लैमेली है ये उनको बनाएंगे। ठीक, ये जब बन जाएगी फिर ये क्या करेगा, दूसरा फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और वो इधर की बनाने लगेगा, और ये ऐसे धीरे धीरे हो जाएगी। तो